नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। झांसी में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स वर्कर्स ट्रेड यूनियन जो BHEL के कर्मचारियों का अग्रणी संगठन है की बैठक में जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को सर्वसम्मति से संरक्षक पद नामित किया गया। BWDU विगत कई वर्षों से BHEL में कार्यरत कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्षरत है। संगठन के अध्यक्ष उमेश प्रजापति ने कहा कि डॉक्टर संदीप समाज सेवी के क्षेत्र में अग्रणी रूप से कार्य कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली से ने जनपद और आसपास के लोगों को काफी प्रभावित किया है और वास्तव में असली समाज सेवा वही है जो पिछड़े शोषितों और असहायों का साथ देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करे। वहीं महामंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि प्रत्येक संगठन में समय समय पर बदलाव की आवश्यकता होती है। संगठन में डॉक्टर संदीप के जोड़ने से यूनियन की कार्य समिति में उत्साह बढ़ेगा। वह एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, झांसी एक पिछड़ा क्षेत्र है। उनके आगमन से संगठन बुंदेलखंड की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर संदीप ने कहा कि BHEL के इस संगठन से जुड़ना मेरे लिए हर्ष का विषय है। भारत है भी इलेक्ट्रिकल वर्कर्स ट्रेड यूनियन कर्मचारियों के हित के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इस संगठन से जुड़कर मेरा प्रयास रहेगा कि संगठन की कार्यशैली को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकूं। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों समस्त कार्य समितियों के सदस्यों सहित संघर्ष सेवा समिति से बसंत गुप्ता, सुशांत गोड, राकेश अहिरवार, संदीप नामदेव, अर्जुन प्रताप सिंह, आशीष विश्वकर्मा, मिथुन कुशवाहा एवं भरत कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए बबीना से नईम खान की खास रिपोर्ट। संजय त्रिवेदी, महामंत्री उमेश प्रजापति। बहुत दिन से विचार चल रहा था कि सरावगी साहब को यूनियन का संरक्षक बनाया जाए और पूरी कार्य समिति ने तय हुआ कि बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है इसलिए इनके दरवाजे पर आ रहे हैं और हमें और यूनियन को बड़ी खुशी है कि इस भले इंसान संघर्षशील आदमी को संरक्षक बनाया जा रहा। जो शोषित हैं, परेशान हैं, उनकी मदद की जाए, उनकी आवाज़ को ऊपर उठाया जाए और अधिकारियों का कुप्रबंधन है उस पर अंकुश लगाए, यही यूनियन की योजना है। अध्यक्ष जी आप बताएं। हमारे यूनियन में कल हम लोगों ने एक मीटिंग की, उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। डॉक्टर संदीप सारागी जो है हमारे झांसी बुंदेलखंड के ऐसे इकलौती समाज सेवी हैं जो हर तबके के लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सभी लोगों की आप मदद करते हैं। और हम इनसे एक साल हो गए लगभग हम जुड़े हुए, तो वो मैंने काफी इनके अंदर एक जोश देखा, एक जुनून देखा, एक उत्साह है इनके अंदर कि बुंदेलखंड के लिए कुछ करें हम, और ये करते हैं। कई बार उन्होंने अभी एक 18 शादियां की फरवरी में, पिछले साल में बालिंग समाज की, तो काफी दिन से देख रहे हैं और आगे भी काफी शादियां करने के मूड में है। 501 शादियां करने वाले हैं आने वाले समय में, और ये बहुत ही भले इंसान हैं। और ये इनका कहना है जो दुख में खड़ा है वो सबसे बड़ा, ये वास्तव में ये ऐसे व्यक्ति हैं। मैंने कई संरक्षक देखे हैं, उनकी कोई हमारे मतलब यूनियन की तरह या हमारे BHEL की तरफ कोई उनका कोई सिस्टम हमें जमा नहीं, ना उन्होंने इतना समय दिया। लेकिन हमारे संदीप जी हैं जो अगर हमें फोन करते हैं तुरंत आ जाते हैं, तो हमें संरक्षक वो चाहिए जो हमारी मदद कर सके, हमारे यूनियन के कर्मचारियों की, हमारे वर्करों की दिक्कत में शामिल हो सके और सुलझा सके। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं बुंदेलखंड के, इनको जो है हम बहुत मानते हैं, बड़े भाई के रूप में इनको हम बहुत सम्मान देते हैं। उनको हम संरक्षक बनाने आए हैं। रेल वर्कर ट्रेड यूनियन BHEL झांसी का आज इनको संरक्षक बनाया गया है। हमारे महामंत्री जी साथ में हैं, संजय द्विवेदी जी, और हम उनसे आशा करते हैं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए कुछ काम करें, हम लोगों की मदद करें। धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।